आई थिंक EQS से बेटर हो सकती है ये गाड़ी। चेक आउट दिस कूल गाय ऑन द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे बहुत चाइनीज माल है। ये हॉनशुई की गाड़ी है, हद से ज्यादा बड़ी है, तो चलाने में थोड़ी मतलब घबराहट हो रही है, चलाएंगे कैसे, बड़ी है। चलो निकल रहे हैं अभी एयरपोर्ट के लिए। फ्रेश स्नो हुई ऐसे लग रहा है, ये देख रहे हो ना। चलो बहुत लेट हो रहे हैं, ठंड बहुत है। हाँ स्नो हुई है फ्रेश वाली। चलो बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं हम। प्लेन की आवाज आती है लेकिन प्लेन दिखता नहीं, जा कहाँ रहा है, किधर है भाई। मैं आसमान की ऊंचाइयों में 200-400 ज्यादा ले लेकिन थोड़ा नीचे आ जा। वो रहा एकदम थिक फॉग में निकल गया। तो यहाँ पे मैं एयरपोर्ट शटल का वेट कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने 7 यूरो पे किए हैं, विच इज रफली 500 रुपए। अगर मैं उबर लूंगा ना तो उसका चार्ज होता है 26 यूरो, काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ से जाके आगे रुकेगी, वहाँ पे एक और होटल में लोग उठाएगी, फेंकेगी वगैरह, फिर वापस आएगी पिकअप करके मेरे को एयरपोर्ट पे फेंकेगी। ये बस तो कार्गो बस निकली, इतना कार्गो था पहले तो हमने देखा कितना ज्यादा था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बैगेज चेक इन किया, एक बंदे से नहीं मिला, मैंने खुद ही सब कुछ एकदम इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास है आपका, वहाँ पे मतलब स्कैन करो और ऑटोमेटिकली बैगेज टैग आ जाएगा, अंदर डाल दो रिसीट मिल जाएगी, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे i7 खड़ी हुई है, बहुत सही लग रही है बिकॉज ऑब्वियसली देख रहे हो मस्त है। आई थिंक EQS से बेटर हो सकती है ये गाड़ी, बट वही है ग्रिल बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया इस गाड़ी का। और यहाँ पे Q4 e-tron खड़ी है, तो सिर्फ इंडिया में नहीं एयरपोर्ट पे इन लोग ने शोरूम बना के रखे हैं, ये पूरा ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है, काफी अच्छी लग रही है एक्चुअली ये गोल्डन कलर्ड व्हील्स। बस सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी यहाँ पे पार्क करते हैं ये लोग। ये एयरपोर्ट भी इतना बड़ा है कि यहाँ से आपको ट्रेन लेके जाना पड़ता है अपने टर्मिनल के लिए, क्या बात है, ऐसे दुबई की पूरी वाइब्स दे रहा है। खाली चल रही है वैसे। चेक आउट दिस कूल गाय ऑन द एयरपोर्ट। हेलो, क्या बात है, आप तो ओला के ब्रांड एम्बेसडर बने घूम रहे हो। बस बताओ, ये लुफ्तांसा का होम एयरपोर्ट है इसलिए इतने सारे लुफ्तांसा फ्लाइट्स दिख रहे हैं ना एक के बाद एक। बिल्कुल भी जगह नहीं लगेज रखने की, इधर रखना पड़ा। अब देखो ये क्या करने वाला है इसे। आओ आओ कैमरा में, अरे आओ, तो सब कुछ ठीक हो गया। 1x पे होता है, चलता है 1x पे, चलता है ठीक है, बाद में दिखाऊंगा मैं, पहले ही बताओ एक इंडियन रेस्टोरेंट ले चलो यार। इंडियन रेस्टोरेंट ले चलो, हाँ ना सर, हॉट डॉग हमें इंडिया में हुआ था आपको पता है, गरम कुत्ता। क्योंकि ये जगह और भी ज्यादा ठंडी है, कोई नहीं आता, पूरा खाली पड़ा है एयरपोर्ट, कोई भी नहीं है यहाँ पे, सब चले गए भाग के। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ स्टॉकहोम जो स्वीडन में है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार का कुछ अलग ही टशन है। यहाँ पे जब भी सब टैक्सी दिख रही है ना, सब की सब इलेक्ट्रिक, यस ऑल इलेक्ट्रिक, टेस्ला का शोरूम लग रहा है। इतनी भूख लग रही थी ना, मैंने कुछ ले लिया, ये लोग सिम कार्ड विम कार्ड खेल रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ खाने के लिए ले लिया। मैं सोच रहा हूँ एमिरेट्स का ये वाला ले लेता हूँ, A380। ये तो 380 नहीं है, तो 777 है। एयरपोर्ट पे बहुत चाइनीज माल है। ये हॉनशुई की गाड़ी है, और ये देखिए गगन जी वहाँ पे पोज मार रहे हैं, आप दिख नहीं रहे हो, मैं 0.5 पे घूम रहा हूँ आजकल। और एक और चीज है, यहाँ पे वॉल्वो भी देखी, तो सब चाइनीज माल एयरपोर्ट पे रहता है आजकल। और ये चाइनीज कार कंपनीज ना मस्त कॉपी पेस्ट मारती है सब बाकी कंपनीज की। तो बेसिकली हमें एयरपोर्ट पे गाड़ी लेने आ गई है ये वाली वैन, ये फोक्सवैगन की कोई वैन है। क्या हुआ सीन, आप इस लास्ट रो में क्यों बैठे, वैग वेंचर बन गए क्या, आपको याद आ रही है वॉक्सल कॉम्बो लाइफ की, उसका बड़ा भाई है, किंग साइज लाइफ। अरे अकेले बैठे हो देखो, एकदम फुल बेड बेड है, इससे बड़ी कोई गाड़ी हो सकती है क्या, वही ना, तो यही ले लेते हैं। दीदी आई हमें पिकअप करने, थैंक यू दीदी, थैंक यू जादू। 4 दिन बाद धूप निकली है, थैंक यू जादू, थैंक यू। तो बेसिकली हम आए हैं मोटर होम रेंट लेने, और ये देखो कितने सारे मोटर होम्स हैं, माय गुडनेस, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सब मोटर होम ही चलाते हैं यहाँ पे। चलो बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी नेक्स्ट फ्यू डेज हम सिर्फ मोटर होम के अंदर ही रहेंगे, मैं बोल रहा हूँ शायद हम होटल चले जाएंगे क्योंकि हम पता नहीं रह पाएंगे या नहीं। ताकि हमारा कॉन्टेंट एक जैसा ना हो, जब भी आप फोन से शूट करो 1x पे ही करना, 0.5 और 3 पे बिल्कुल भी मत करना। ये तो कैमरा से शूट करने वाले हैं, और मैं तो 0.5 पे करती हूं। नहीं 0.5 मत करो, क्योंकि मैं 1x पे नहीं करूंगा, तो तुम 1x कर लो, मैं बताता हूँ कहानी। तो बेसिकली हम लोग अभी अंदर आए हैं टूरिंग कार्स की गैरेज में, जहाँ पे ये पूरा हमें डेमो दे रहे हैं क्या क्या कैसे करना है। बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आपको चार्ज भी करनी है अंदर की अप्लायंसेस के लिए, यहाँ से टट्टी वट्टी निकाल के बाहर फेंकनी होगी क्योंकि अंदर टॉयलेट वॉयलेट है, बहुत गजब की चीजें। लेकिन तो इसमें बेसिकली स्टड्स लगे हुए हैं, हाँ विंटर टायर्स और स्टड्स। तो बेसिकली चेक करें गाड़ी में क्या क्या डैमेज है उसके लिए, ये देखो सीढ़ी से चढ़ के ऊपर देख रहे हैं, अलग ही स्वैग है।
तो भैया अलग ही स्वैग है इस गाड़ी का, बहुत ही बड़ी है, हद से ज्यादा बड़ी है। तो चलाने में थोड़ी मतलब घबराहट हो रही है, चलाएंगे कैसे, इतनी बड़ी है, बहुत सारी चीजें, मतलब एक पूरा डेमो हमें आधे घंटे का दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे चूल्हा वूल्हा है, यहाँ पे हजारों बटन्स हैं, एक टॉयलेट है यहाँ पर, बट आपको पता है जो टॉयलेट का सामान निकाल के खुद फेंकना हो, यहाँ पे फ्रिज भी दिया गया है भाई, और ये दोनों साइड से खुलता है, सेक्सी ना। और वहाँ पे बेड एक और, 4 घंटे लग गए यहाँ पे रेडी होने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये देखो इनका पूरा स्टॉक यार, यहाँ पे सब सामान है जो गाड़ियों वाड़ियों में जाता है, धो के हमें फिर दे देता है। एक और गाड़ी यहाँ पे रेडी है, बाहर ब्लैक आइस फॉर्म होना शुरू हो गई, टाइम सिर्फ 5 भी नहीं बजे, पूरा अंधेरा होना शुरू हो गया, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। कीप कमिंग कीप कमिंग कीप कमिंग कीप कमिंग कीप कमिंग कीप कमिंग कीप कमिंग। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा बना हुआ मैं आज, क्योंकि गाड़ी इतनी बड़ी है ना कि हालत खराब हो रही है गगन की चलाने में, और मेरी तो और भी खराब होगी क्योंकि इतनी बड़ी ट्रक को कौन चलाएगा भाई। तो बेसिकली गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क की, और यहाँ पे अगर पार्क करेंगे तो फाइन लग सकता है, क्योंकि ये व्हाइट लाइन है ना उससे बहुत बाहर निकली गाड़ी, क्योंकि हमारी गाड़ी तो 2 किलोमीटर लंबी है, तो गाड़ी नहीं बोले थे मोटर होम बोलो भैया, चलो अभी निकाल के कहीं और पार्क करनी पड़ेगी। ये बड़ी प्रॉब्लम है गाड़ी की कि पार्किंग का इशू हो जाता है, लेकिन एक बार हम जाना शुरू करें ना अलग अलग जगह तो कोई इशू नहीं होगा। तो हमें जाना है इंडियन पैराडाइज इंडस रेस्टोरेंट, ठीक है, हल्ला करें लोग पीछे, गाड़ी यहाँ पे पार्क की है, आगे ऑलमोस्ट टच हो रही है, मैं दिखाता हूँ हमको, और यहाँ पे वाइट लाइन से काफी ज्यादा खिसकी भी है बाहर, बट अब क्या करें, है ही हमारी गाड़ी इतनी बड़ी यार, बड़े लोग बड़ी गाड़ियाँ तो क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एनीवेज यहाँ पे देखो गगन ने जो प्रिसिशन पार्किंग की है, कुछ ज्यादा ही प्रिसाइज पार्किंग कर दी है, तो अभी हमें पता चल रहा है कि हमने उल्टा तीर ले लिया है। जर्मनी और यूरोप में आपको ऐसे अपना टाइम लगाना पड़ता है, आपने कितने बजे पार्क की है, पता नहीं क्या लॉजिक है, आई थिंक 1 घंटे 2 घंटे आप पार्क कर सकते हो, इसलिए वो लगा के जाना पड़ता है। हो हाइट देखो, खाना आ गया, और ये लोग इंडिया से 12 घंटे पहले आए, फिर भी इंडियन फूड खा के पैसा वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने, ताकि हम अपने मोटर होम में खाना पका सकें। सबसे पहली चीज़ जो ली है वो है अंगूर, क्योंकि हमेशा हम अंगूर लेके घूमते रहते हैं, खाते नहीं, और इधर से पार्सल करते रहते हैं, देखो बंदा हंस रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे चालू होगी बकचोदी, अलग अलग टाइप के पानी हैं, ये गुआवा फ्लेवर का पानी है, ये एप्पल फ्लेवर का पानी है, ये वाटरमेलन फ्लेवर का पानी है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है, मतलब लगता है मजाक, बट ये सब फ्लेवर्ड वाटर है, अलग अलग चीज़, ग्रेप अनियन खजूर ये वो वगैरह वगैरह, हमें चाहिए स्टिल वाटर, मैंगो लाइम वाला पानी। यहाँ पे सोते वक्त ना बहुत ही सही व्यू दिखेगा बाहर का। वैसे मैं रेंट पे दे रहा हूँ जैकेट, ओनली 1000 रुपीज पर आवर। हे मैन कूल, बस व्हाट यू डू फॉर लिविंग, कुछ काम धंधा नहीं भाई का, नहाते धोते खाते पीते सोते।